सो ये है लाला, शी इज अ फिल्म मेकर, शी इज अ हिस्टोरियन, इनको टूर गाइडिंग का भी बहुत शौक है, तो मेरे को अपनी सिटी स्पेशली दिखाने के लिए लेकर कहेंगे ना हम लोग को भी इनके डिस्क्रिप्शन पे, अब तो कहाँ घुमाएंगे, बट प्रोबेबली वी विल गो टू ओल्ड टाउन, ओल्ड सिटी, एवरीथिंग गोना बी ग्रेट, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, लेट्स गो, थैंक यू. So we are pretty close to the old city right now, right? Not right now. We are near the 28 May metro station. Okay. So right now we are going to Nizami Street. And introduce yourself for the audience. I'm Lala, living in Baku and waiting for friends as Ashkat. So you are always welcome here. Absolutely, thank you so much. Thanks a lot. 28 May metro station के पास लाला हमें ले आई है. ये मूवी थिएटर है जहाँ पर ये अज़रबैजानी मूवीज लगी. These are not Turkish movies, right? These are अज़रबैजानी. This is Turkish. This is Azerbaijani. Ah, okay. Oh. Yes, this is also Turkish. So Azerbaijani movie industry is kind of big. Like more popular movies are Azerbaijani here or Turkish or? Turkish is more popular here. Azerbaijani movie are less popular. Less popular. Okay. You know, we are using Russian words mostly, but Turkey is not using that. Okay. So, yeah, because Russian part Turkish people understand us less. Okay. So it's tough for Turkish people to understand you, but easy for you to understand them. Yes, definitely. We are going under this place. Okay. So ye metro station hai hamara. तो ये मेट्रो नहीं था, ये तो केवल सबवे था. वी वर जस्ट क्रॉसिंग टू द अदर साइड. यहाँ पे जो मेट्रो है वो एक्चुअली 1930s में बनना शुरू हुआ था, जब सोवियत यूनियन का पार्ट ये 1920 में बना था. उसके बाद ज़्यादातर बड़े सोवियत शहरों में मेट्रो सिस्टम बनाए गए थे. तो यहाँ पे 1930 में काम शुरू हुआ था, बट पहली लाइन 1960 में जाके खुली थी, जो कि केवल कुछ 10-12 किलोमीटर ही लंबी थी. और उसका रीज़न ये है कि आज की तरह टनल बोरिंग मशीन्स नहीं हुआ करती थी, उस समय मैनुअल लेबर से इतना डीप जाके डिग करके सब बनाया गया था. तो 1970 तक वही एक सिंपल सिंगल लाइन थी. अब यहाँ पर करीब देयर आर 3 लाइंस राइट इन द मेट्रो, या टोटल 3 लाइंस हैं. आई थिंक कुछ 25 स्टेशन हैं और टोटल नेटवर्क जो है वो करीब 36 किलोमीटर का नेटवर्क है. बहुत बड़ा शहर नहीं है, ज़्यादातर एशियन सिटीज़ के अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे डेफिनेटली उतनी पॉपुलेशन और उतना एरिया नहीं है बाकू का, बट स्टिल यहाँ के रीजन कंपैरिजन में दैट्स स्टिल बिग. और ये देखिए, व्हाट इज द स्ट्रीट कॉल्ड, वेरी ब्यूटीफुल, निजामी स्ट्रीट. ओह, दिस इज निजामी स्ट्रीट. तो ये निजामी जो है मेन एरिया है यहाँ पर, निजामी और नसीमी, राइट, देयर आर टू सिमिलर साउंडिंग नेम, नजीमी एंड नसीमी इज डिफरेंट प्लेस, राइट. या दो आसपास में एरियाज हैं यहाँ पे, ओल्ड दो तीन नेबरहुड्स हैं ओल्ड टाउन में, ओल्ड सिटी में, ये उनमें से सबसे पॉपुलर सबसे टूरिस्टी है. बहुत ज्यादा ये सिमिलर लग रहा है, मिक्सचर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग एंड बेलग्रेड. जिन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग और बेलग्रेड देखा है मेरे चैनल पे उन्हें पता होगा, और नहीं देखा तो जाके देख लेना, और नहीं देखा है तो ये तो देख ही रहे हो, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. यू नो दिस काइंड ऑफ प्लेस, सिनेमा, कैराओके, गेम क्लब, दिस इज वेरी पॉपुलर. लाइक आई सी दिस इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन द सिटी, लाइक वेयर आई एम स्टेइंग, इवन राइट फ्रंट. Young people always using to go cinema, karaoke, to play PlayStation. As groups, as friends, basically. Yes. Okay. University groups. Everyone. Oh yeah, this is very very common. ये यहाँ पे मैंने 5-6 जगह पे मैं जहाँ रुका हूँ बिल्कुल मेरे Airbnb के सामने भी है ये, तो बहुत ही पॉपुलर है ये. तो यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन, मतलब एक एरिया है जिसका नाम है साहिल. मैं इनसे पूछता हूँ बहुत सारे वर्ड यहाँ पर क्या है, क्योंकि अरबिक और टर्की जैसे बड़ा इन्फ्लुएंस है, और हिंदी में भी अरबिक इन्फ्लुएंस के कारण काफी सारे वर्ड्स है. साहिल शायद उर्दू यानी कि
जिसका अरबिक का ओरिजिन है उससे ही आया है. तो मैं इनसे पूछता हूँ कि साहिल का यहाँ पे क्या मतलब है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिल हियर? साहिल इज सी साइड. सी साइड, हाँ, तो बिल्कुल वही सेम ही मतलब है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साहिल बाघ, मतलब ये प्रोनाउंस करके बेटर बताएंगे, और बिल्कुल बाघ जैसे ही लगता है, और यही मतलब है, पार्क ही है इसका मतलब. साहिल पार्क, साहिल बाघ, बाघ बाघ वही बाघ है गार्डन. और यहाँ पे कुछ क्रिसमस का फेयर लगा हुआ है. अजरबैजान में स्पेशली बाकू में आपको बुक शॉप बहुत मिल जाएंगी. और यहाँ पे पता है बुक्स को अगेन किताब बोला जाता है, वही सेम वर्ड जो जो हिंदी में भी होता है. इन हिंदी, इन आवर लैंग्वेज इन हिंदी वी कॉल बुक्स एज किताब. हियर आल्सो किताब. तो यहाँ पे भी टर्किश जैसे कबाब होता है, डोनर कबाब, लवाश ब्रेड के अंदर कबाब भर के, बिल्कुल बिल्कुल टर्किश इज वेरी सिमिलर. अजेरी फूड इज आल्सो सिमिलर टू टर्किश, राइट? अरबिक एंड टर्किश मिक्स. इट्स टर्किश बट इट्स नॉट कबाब, इट्स डोनर. डोनर मींस टर्निंग. ओह, टर्निंग भी. ओह, इस तरीके से. ओके ओके, इट्स कॉल्ड डोनर. व्हाट इज द डिफरेंस देन बिटवीन डोनर एंड द कबाब? कबाब इज not it is on the skewers. Yes, like barbecue. Barbecue. But not like this. Oh, yeah. I'm good. Thank you. Some interview for you, though. No, thank okay, you. Have a Thanks. Oh, so this is a museum. What is this museum about? Literature museum. Yes. ओके. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो जो राजा है ना सारे, जिनकी ये लगी हुई है फोटो, ये एक्चुअली टर्किश ऑटोमन एम्पायर के राजा हैं सारे. और उनका जो पहनावा है वो सब कुछ आप देख सकते हो, काफी कुछ मुगलों जैसा है. और उसका रीजन पता है क्या है कि मुगल भी एक्चुअली टर्किश ही थे. टर्किश इन द सेंस, टर्किश अपने आप में बहुत सारी ट्राइब्स हैं. तो उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये वाले रीजन से टर्किश ट्राइब स्टार्ट हुई थी. और फिर वहां से देवर बेसिकली हंटर गैदरर्स, वो घुड़सवार थे वहां पे, ग्रास लैंड दिए केवल. तो उन्होंने तलवारिशबाजी मास्टर करी और अपने पूरे आर्मी वार्मी बना के घोड़ों पे उन्होंने कॉन्कर करने के लिए पूरे दुनिया को निकल पड़े. एंड वहां से चल के वो यहाँ टर्की तक बेसिकली उन्होंने सारा लैंड कॉन्कर कर लिया, यूरोप तक पहुंच गए. और फिर फाइनली ऑटोमन एम्पायर जो थी वो सबसे बड़ी टर्किश एम्पायर के रूप में इमर्ज हुई. और वही उज़्बेकिस्तान का समरकंद का इलाका है जहाँ से एक टर्किश ट्राइब के जो इंसान थे वो आए इंडिया और उन्होंने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी. तो वो भी टर्किश ही थे, मुगल्स भी. सो ये निज़ामी है जो अजरबैजानी लिटरेचर में जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है 12th सेंचुरी, 1141 से 1209 तक ये लाइफ से मैं देख पा रहा हूँ. रोमांटिक फोकलोर्स लिखा करते थे. मजनू की का नाम ले रही है तो मेरे को लग रहा है वो शायद सेम ही स्टोरी है जो इंडिया में मजनू की स्टोरी चलती है. बट आई एम नॉट टू श्योर. वी ऑल्सो हैव अ स्टोरी इन इंडिया विच इज पॉपुलर बाय द सेम नेम, मजनू. आई डोंट नो इफ इट्स द सेम और डिफरेंट. या डिफरेंट राइटर्स राइटेड अबाउट दिस. सो ओके, आई गेस दे आर द सेम. सो द कैरेक्टर वाज मजनू एंड हु वाज द हीरोइन? लेली एंड मजनू. लेली, या लैला एंड मजनू. वही है वही लैला एंड. ओह, सेम ही स्टोरी है यानी कि एकदम. बताओ, वो भी कॉमन है, सब कुछ कॉमन. नगोर्नो काराबाख इलाके को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान में विवाद पुराना है. और अभी रिसेंटली हुई जंग में टर्की और पाकिस्तान ने खुल के अजरबैजान का साथ दिया जबकि इंडिया ने न्यूट्रल पोजिशन अपनाई. आई थिंक कॉलेज के कुछ फ्रेंड फ्रेंड्स का ग्रुप था, उन्होंने हमें घेर लिया. तो पहले वो पूछने लगे कि आप क्यों हो यहाँ पे, मतलब क्या कर रहे हो यहाँ पे. मैंने कहा मैं टूरिस्ट. तो कह रहे आप शूट क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा आई शूट दैट्स इट, मतलब आपको क्या दिक्कत है? कह रहे आप कहाँ से आए हो? उनका इंडिया से हूँ मैं. कहते वी डोंट लाइक इंडियंस बिकॉज दे सपोर्ट आर्मेनिया. मैंने कहा वी डोंट इवन हैव एनीथिंग टू डू विद द कॉन्फ्लिक्ट. आई मीन वी बट दे वर क्रेजी पीपल एनी वेज, वी चेंज आवर कोर्स. तो ये हमारे सामने जो है That is the fort walls, right? Old city walls. This is, yes, old city walls. Mm-hmm.
तो यहाँ पे 1990 तक एक्चुअली ओल्ड सिटी में लोग रहा करते थे, 3000 लोगों की पॉपुलेशन हुआ करती थी, पर अब ये केवल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट? इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाउ. क्या 5 टोटल एंट्रेंस हैं ओल्ड सिटी की अलॉन्ग द वॉल्स, ये उनमें से एक है जहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं. What is the significance of the flag, like the stripes and everything in Azerbaijani flag? Oh, the green one means Islamic. Uh-huh. The red one means we are Turkish. Okay. Blue. You don't know the blue. देखते हैं अब. ये बढ़िया है. इंडिया वाले लोग बताओ, कितने लोगों को पता है कि इंडिया के जो स्ट्राइप्स हैं और जो व्हील है बीच में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो अभी मुझे लाला ने समझाया, बिफोर दी पर्शियन एंड दी अरबिक इन्फ्लुएंस केम हियर, यहाँ पर लोग ज़ोरोएस्टर हुआ करते थे, यानी कि मैंने बताया था पारसी कहलाते हैं वो लोग इंडिया में, जो उन्हीं का धर्म यहाँ पर था, मतलब वो लोग यहाँ पर थे, ऐसे बोलना चाहिए, इस रीजन में थे, ईरान में थे, वहाँ से एग्जीक्यूट करके भगा दिया था, उन्हें अपना कंट्री छोड़ना पड़ा था और रिफ्यूज सीक करना पड़ा था और जगहों पे, इंक्लूडिंग इंडिया. जब वहाँ इस्लाम आया तो बेसिकली वो लोग फायर वर्शिप करते हैं, मतलब उनके जो टेंपल्स होते हैं फायर टेंपल कहलाते हैं, फायर होती है वहाँ पर. तो ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम टावर्स जो हैं, एक्चुअली उस फायर को डिपिक्ट करते हैं, नॉट द ऑयल एंड गैस वाली फायर, बट ज़ोरोएस्टरिज्म की जो, अगेन मेरी प्रोनंसिएशन उसकी बहुत अच्छी नहीं है उस वर्ड की, तो फॉरगिव मी, बट उसकी जो बिलीव है फायर को लेके, उस चीज़ को डिपिक्ट यहाँ पे, उस हिस्ट्री और कल्चरल ट्रेडिशन जो है अज़रबैजान का, उसे, उस हिस्ट्री को डेडिकेटेड है ये. और ये यहाँ पर है शिरवन शाह पैलेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट है यहाँ का. So Shirvan Shah Palace is open for the tourists to take a ticket and go inside as a museum, or you can only see it from the outside like this. I never entered. Oh. We can check. Okay. तो ये old historic building सारी अब renovated है बाहर से और अंदर से. They are serving more like hotels, but not like residential places for people. Another side of old city, gardens ही gardens हैं और यहाँ से सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं बाकू के. वॉट डू यू रिकमेंड लाइक द यूनिक फूड इन अज़रबैजानी कुजीन टू ट्राई, विच इज़ नॉट टर्किश, विच इज़ नॉट लाइक टर्किश और अरबिक, डिफरेंट फ्रॉम टर्किश और अरबिक कुजीन, विच इज़ वेरी अज़रबैजानी. In India, you are also using rice, right? Yes. We love to eat rice, not every day, but uh-huh. only holidays, at holidays. Oh, okay. Uh-huh. So we call it ash. Ash. Okay. Yes. Mm-hmm. The second one, it's also famous in Egypt, I heard, dolma, but it's not the same. Dolma, yes. Tastes very different. Oh, inside okay. of it also it's different. But okay. the name is the same. Same. Oh, dolma. This is the hammam bath house. तो यहाँ से एंटर करते हैं. मेल का अलग होता है, फीमेल्स का अलग होता है, एंड आप पार्शली क्लोथ या अनक्लोथ जा सकते हो और पे करके. पब्लिक बाथ सल्फर स्टीम बाथ हाउसेज होते हैं, तो वो रिलैक्सिंग, रेजुविनेटिंग और मेडिसिनल उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर की, इसलिए पॉपुलर होता है टर्किश कल्चर्स में. तो ये है वो टावर, इसे बोलते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, आई फॉरगॉट द नेम. मेदिन टावर है इसका नाम, और इसकी हिस्ट्री भी बड़ी खास है. ये 12th सेंचुरी में बना था, यानी कि जब हमने वो उन साहब की बात करी थी ना, हु वाज दैट गाय, निजामी, राइट, या निजामी जी की बात करी थी, सेम उनके एरा में ये भी बना हुआ है, उतना ही पुराना है ये भी.
और ये बोला जाता है कि एक्चुअली सी में था। अब जो ये हम लैंड देख रहे हैं रिक्लेम्ड लैंड है यानी कि, और ये बनाया गया था एज अ सिग्निफिकेंस कि लाइक गॉड इज प्रोटेक्टिंग दिस लैंड सॉर्ट ऑफ। तो ये बेसिकली मे बी उस समय का सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर होगा, तो शायद इसके अंदर नीचे पूरा एक सिटी है, मतलब टनल्स का सिस्टम है जो सिटी को कनेक्ट करता है इस पूरे कॉकेसस रीजन के डिफरेंट पार्ट से। तो अब तो आई थिंक वो सब बंद है, आप जा नहीं सकते, बट तो सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट उस समय हुआ करता था, प्रोबली उस समय तो हाईएस्ट स्ट्रक्चर भी हुआ करता होगा। जॉर्जिया एंड अज़रबैजान, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन जॉर्जिया एंड अज़रबैजान, राइट? नो प्रॉब्लम, या वी आर गुड, व्हाट डू यू से, गुड रिलेशन, नेबरहुड, गुड नेबरहुड। ओके, द वॉर वाज ओनली बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबैजान। ओके, सो नो अदर पार्टी वाज इन्वॉल्वड। If somebody say that India was not near the Azerbaijan or Georgia was not near the Armenia, it doesn't matter. Correct, exactly. Because the war only was between Armenia and Azerbaijan. And we won. Yes. Yeah. And something that Azerbaijan is very, very proud of, and probably rightly so. It was an area that was rightfully claimed by Azerbaijan for a very long time because majority population वहाँ पे अज़रबैजानी ही है, राइट? तो काफी साल पहले मतलब उन्होंने वो लैंड ले लिया था। तो या अब रिसेंटली जो वॉर हुई है उसमें अज़रबैजान ने वो लैंड वापस क्लेम कर लिया है। अब हम लोग सी के अलोंग वॉक करते हुए वो जो फ्लेम टावर्स हैं वहां पे जाएंगे। What are these things for? These kisongs, they are everywhere. Yep. Okay. If you don't have, you know, to call someone, this is the program to make to put recharge. Money to put money into your phone. So aap isse machine se recharge kar sakte hain. Bank account. Oh, okay. Bank account. This is for house. You know, if you didn't pay for your light or internet, uh-huh. You can pay from here. Oh, okay, मतलब bills pay कर सकते हैं सारे। Very good, yeah. And what is this? Also the same. Oh, also the same. Okay. अब हम लोग cross करके seaside पे आ गए हैं। ये right across पेड़ों के पीछे sea है यहाँ से।